नमस्कार, बोले राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बोले राजस्थान में आज बात हम अजमेर जिले के ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की करेंगे। रियासत काल में ब्यावर, अजमेर, मेरवाड़ा राज्य की राजधानी थी और ये सीट पर कभी सीपीआई का भी गढ़ हुआ करता था। सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन पिछले 3 विधानसभा चुनाव से ब्यावर पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लोगों की लंबे समय से यहां मांग के बावजूद ब्यावर आज भी जिला बनने को तरस रहा है। वहीं पानी की कमी से उद्योग धंधे भी अब यहां चौपट हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की अब भी भारी कमी देखी जा रही है। यहां बीजेपी के शंकर सिंह रावत ब्यावर के वर्तमान विधायक हैं। स्थानीय विधायक क्षेत्र में विकास को लेकर के तमाम दावे कर रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच विकास की पड़ताल करने हम भी यहां पर निकल पड़े हैं। हमने ब्यावर में तमाम तबके के लोगों से सियासत की नब्ज टटोलने की कोशिश की। विकास को लेकर के क्या बोली ब्यावर की जनता, देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। बोले राजस्थान में आज अजमेर जिले के ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। जानेंगे विकास को लेकर ब्यावर की जनता कितनी संतुष्ट है और सरकार के कामकाज को लेकर क्या कुछ सोचती है। ब्यावर ने रियासत काल को अजमेर मेरवाड़ा राज्य के रूप में देखा तो आजादी के बाद ब्यावर अब तक जिला बनने तक को तरस रहा है। कभी उद्योगों को अपने आंचल में पनाह देने वाले इस शहर में अब पानी की कमी ने उद्योग धंधों को मंदा कर दिया है। एक दौर में सीपीआई का गढ़ रही ब्यावर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन पिछले 3 विधानसभा चुनाव से ब्यावर पर बीजेपी का कब्जा है। शंकर सिंह रावत यहां के स्थानीय विधायक हैं। ब्यावर की जनता अब भी पेयजल समस्या और बेहतर चिकित्सा जैसी सुविधाओं के लिए तरस रही है। स्थानीय विधायक क्षेत्र में विकास के तमाम दावे कर रहे हैं, लिहाजा चुनावी माहौल में हम भी सियासी नब्ज टटोलने निकल पड़े और सबसे पहले हमने मजदूर वर्ग और ग्रामीणों से बातचीत की। आज बात ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की, और जैसा कि कहा जाता है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, उसकी नीतियों के केंद्र में अगर बात करने के लिए बात की जाती है तो अगर कोई एक कौम होती है तो वो कौम होती है मजदूरों की, वो कौम होती है गरीबों की। ये दावा किया जाता है कि अंतिम और वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारें काम करती हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 सालों में गांव, गरीब और किसान के लिए वास्तव में कोई काम हुआ है। ये तमाम वो लोग हैं जो मजदूर वर्ग से आते हैं, इनको रोज कुआं खोदना होता है और रोज पानी पीना होता है, लेकिन क्या सरकार ने इनकी बेहतरी के लिए काम किया? क्या लगता है जिस तरीके से 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपके जो MLA हैं शंकर सिंह रावत रहे, कोई परिवर्तन आपके जीवन स्तर में, एक मजदूर के जीवन स्तर में आया है? अपने को क्या है सर, मजदूरी मिल रही है, बस अपना दिन भर काम करते हैं, दिन भर खाते हैं, और राजनीति का कहा किसके पास टाइम होता है जो राजनीति आके यहाँ देखेगा। सर रही बात, अपना तो वही है सर, अपने को रोजी रोटी मिल रही है, बस यही है। सरकार की योजनाएं होती है बहुत सारी, कभी लाभ मिला उनका? सरकार मजदूर को कभी कुछ मिला है? आज मिलेगा सर। क्या लगता है जाती है, उनका कोई क्रियान्वयन नहीं होता। मजदूरों को कोई भी सहायता चाहिए तो वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, कोई काम नहीं होता। उनकी जो सहायता हम कर सकते हैं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो मजदूर हमारे पास काम कर रहे हैं उनकी को कोई परेशानी नहीं आए, उनकी हम हर प्रकार से सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सरकार ये दावा करती है कि गरीबों की बेहतरी के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया, आपको लगता है कि वास्तव में सरकार ने इन बीते 5 सालों में गांव, गरीब और किसान, मजदूर, इन लोगों के लिए कुछ किया है? नहीं सर, अभी तक तो मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ किया। अभी रोड गांव में जाने के लिए बहुत समस्या है, रोडे भी नहीं है, नहीं तो कोई जो गवर्नमेंट के गांव चालू हो रखे वो भी चालू नहीं है अभी तक, तो बहुत परेशानी चल रही है अभी तो। पिछली बार जिन लोगों को जिता करके आप लोगों ने भेजा था, क्या इस बार वापस से उन लोगों को जिताओगे अगर उनके कामकाज को देखते हो तो? नहीं सर, अभी तो नहीं, कैसे जिताएंगे? वो अगला काम वादा किया जो पूरा नहीं हुआ, तो वादा किया तो पूरा ही नहीं हुआ तो कैसे जिताएंगे? अच्छा, कोई विधायक आपका कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके लिए बताओगे? पब्लिक के लिए, हम पब्लिक जो आधी रात को चाहे जैसे, अगर पब्लिक के तैयार होना चाहिए ना, जो कहे जो काम करना चाहिए पब्लिक के लिए, तब पब्लिक कहेंगे उसको वोट देंगे ना। पब्लिक कोई परेशानी में हो तो काम करना चाहिए पब्लिक के लिए। चलिए कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं किसानों की, बात करते हैं गरीबों की, तो हमको ये लगता है और तमाम लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि सरकार की पहुंच शायद इन लोगों तक नहीं हो पाई।
और ना ही ये तमाम लोग सरकार तक पहुंच पाए। नतीजा इनके जीवन स्तर में ना तो किसी तरह का सुधार दिख पाता है और ना वो तमाम सरकारी योजनाएं इनको प्रभावित कर पाई जिनके लिए सरकार ये दावा करती है कि वो योजनाएं केवल और केवल मजदूर वर्ग के लिए बनाई गई थी। समाज के अन्य वर्गों से भी हम मुलाकात करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजस्थान क्या बोल रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्यावर क्या बोल रहा है, क्योंकि ये मौका एक बार फिर अपनी सरकार को चुनने का है। किसी भी राज्य का विकास युवाओं के कंधे पर ही होता है। सरकार की नीति का सबसे ताजा ब्यावर के युवा और छात्र सरकार के कामकाज को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, देखिए। बात विधानसभा चुनाव की है तो युवाओं की अपेक्षाओं को जानना बेहद जरूरी है, और क्योंकि बात हम कर रहे हैं ब्यावर की, तो आखिर क्या सोचता है ब्यावर का युवा इन पिछले 5 सालों को लेकर के, और क्या सोचता है, कैसा जनप्रतिनिधि इनको आने वाले 5 साल के लिए चाहिए। यही कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशने के लिए ब्यावर के राजकीय महाविद्यालय पहुंचे हैं। क्या लगता है पिछले 5 सालों में सरकार ने वो तमाम काम किए हैं जो आपकी आशाओं पर खरे उतरे? बिल्कुल सर, जहाँ तक बात ब्यावर की है तो हमारे ब्यावर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत ने अपने वादों के मुताबिक काफी काम किए हैं। अभी हाल ही में हमको देखने को मिला कि जो रोड पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से नहीं बनी थी लिंक रोड की, उस रोड का कार्य हुआ है। और भी हमारे यहाँ के जो भी काम थे वो सभी कार्य हुए। हम कॉलेज की करते हैं तो हमारे छात्रावास का जो मुद्दा कई सालों से अटका हुआ था उसके लिए भी हमारे विधायक साहब आश्वासन देके गए कि बहुत जल्दी वो कार्य होगा। और पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं, हालांकि 10 सालों से हम देख रहे हैं कि विधायक साहब ने काफी विकास के कार्य करे हैं, और हमारा मानना है कि आने वाले 5 सालों के लिए भी उन्हीं को ही हमारे ब्यावर शहर से विधायक का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। हम युवाओं की बात करते हैं तो रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख हो जाते हैं। क्या लगता है सरकारी नौकरियां निकली, आप लोगों को मिली, रोजगार के अवसर बढ़े? कहाँ निकली, थोड़ी बहुत निकलती है, विवाद बंद हो जाती है। स्टिल लग गया था, पुलिस की निकली थी, उसमें फॉर्म भरा, एग्जाम देने गए, फिर स्टिल लग गया वापस से, फिर दोबारा हुई, उसका भी रिजल्ट यही चल रहा है पेंडिंग में, यही कुछ चलता है, कुछ होता है कुछ नहीं होता। अच्छा, अब जब विधायक को आपके चुनने की बारी आएगी तो क्या सोच करके विधायक को चुनोगे? वो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप चाहोगे कि आने वाला विधायक युवाओं के लिए करे? जो भी काम होगा वो हमारे संघ से सारे काम करवाते हैं, हमारे जो हम बोलते हैं ये काम करवाना है। हमारे छात्रावास का मुद्दा था भाई, जैसे भैया ने बताया वही चीज, उन्होंने सारा काम करवाया, हमारे छात्रावास वापस ओपन करवाया जो काफी टाइम से बंद पड़ा था, सारे काम करवाए। युवाओं के जो मुद्दे होते हैं, खासतौर पर शिक्षा की बात हम लोग कर लेते हैं, रोजगार की बात कर लेते हैं, वर्तमान जो सरकार है वो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है क्या? जी सर, बिल्कुल खरी उतरी है, क्योंकि रोजगार सबको मिल रहा है और कॉलेज में भी सब कुछ विकास हो रहा है, और कॉलेज में प्रतिदिन सब स्टूडेंट आ ही रहे शिक्षा के लिए। और रोजगार की बात है तो वो सारे भर्तियां निकल ही रही है, भर्तियां निकाल रही है राज्य सरकार, और फिर 10 साल से शंकर सिंह रावत ब्यावर में है तो विकास तो हुआ ही है सर। क्या लग रहा है इस बार जब आप विधायक को चुनोगे तो क्या सोच करके विधायक को चुनोगे? वो कौन से मुद्दे होंगे जो आपकी सोच के केंद्र में रहेंगे किसी को भी चुनने के लिए? हमारा इस बार यही मुद्दा रहेगा कि रोजगार के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट जो फॉर्म निकालती है उसके लिए चालान इतना रख लेती है कि वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, 750, 700, 500। इस बार हमारा दायित्व एक ही होगा कि जो गवर्नमेंट जब हमारे वादे पे खरे उतरेगी उसको हम लाना पसंद करेंगे। हमारी पहली मांग यह है कि स्टूडेंटों में एक तो गवर्नमेंट जो जॉब के फॉर्म निकलते हैं उसमें कंजेक्शन किया जाए, इतना 550, 400 ये बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद ये मित्र वाले को और 50, 60 बहुत ज्यादा होता है, मैं खुद नहीं भर सकता फॉर्म, ये सी बात है। इसलिए हम तो नई सरकार या जो भी सरकार ये वादा होगा उसको सपोर्ट करेंगे हम तो। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पे वर्तमान सरकार खरी उतरी क्या? आपको लगता है कि इस पिछले 5 साल के अंदर जितनी सरकारी नौकरियां निकलनी चाहिए थी या जितने उद्योग धंधों में नौकरियां होनी चाहिए थी वो वास्तव में हुई है, युवाओं को मिली है? ये फिलहाल कह नहीं सकते कि ये तो कान पर जू रेंगने के बराबर है, निकली भी है नहीं भी निकली है, सम्मान कर दिया सारा। ये राजस्थान पुलिस की भर्ती कब से बोल रहे थे निकलेगी, लास्ट में जाते थी गवर्नमेंट ने, अब पटवारी निकलने वाली थी गवर्नमेंट, स्टे लग गया, अब जनवरी में नई गवर्नमेंट आएगी, अब क्या पता वो कब निकालेगी। ये सही है वो तो, अब जो ये बोलते हैं स्किल पे तो कितने युवा बेरोजगार बैठे। मेरे गांव में सत्यम पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जब वो खुला था 2008 या 2009 में तब इतना बच्चा आया था 800-900, और अब यहाँ कुछ भी नहीं देखने को मिलता। आप जाकर देखोगे 2 बजे जब कॉलेज छूटता है तो 100-150 मुश्किल से निकलते हैं, और पहले कॉलेज छूटता था 2:30 बजे तो मैक्सिमम 800 लड़के बाहर निकलते थे। मतलब कुछ कॉलेज उनको या तो प्लेसमेंट नहीं दे पाई इसलिए वो बच्चे वापस नहीं आए,
या फिर रोजगार नहीं मिला उनका, उनको देखकर दूसरे बच्चों ने ये नहीं किया, यही बात हो सकती है और क्या। तो ये ब्यावर के तमाम युवा थे जिनका ये मानना है कि विधायक के रूप में शंकर सिंह रावत का काम जरूर अच्छा रहा, लेकिन बात अगर रोजगार की होती है, बात अगर शिक्षा की होती है, तो सरकार की जो नीतियां बननी चाहिए थी और उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था, उस मोर्चे पर कहीं ना कहीं सरकार नाकाम नजर आई। युवा आज भी बेरोजगार घूम रहा है और आशा भरी नजरों से सरकार की तरफ देख रहा है। आने वाले समय में इन तमाम युवाओं का जो इच्छा है वो यही है कि जो भी सरकार बने कम से कम इनकी बेहतरी के लिए काम करे। सरकार के आर्थिक नीति का या बजट का संबंध सीधे घर की रसोई पर पड़ता है। महंगाई के मार से लोग तो त्रस्त होते ही हैं, घर की रसोई का जायका भी बिगड़ जाता है। ऐसे में गृहिणियों को भी सरकार से काफी कुछ उम्मीदें हैं। बोले राजस्थान की इस चुनावी चर्चा में आज बात ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की, और इस समय हम मौजूद हैं ब्यावर के विकास कुमार जैन के आवास पर। यहाँ क्योंकि सीधे तौर पर हम बात महिलाओं से करना चाहते हैं, उनके मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए अमृता जी हमारे साथ में रहने वाली हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बीते 5 साल में क्या महिलाओं की तमाम अपेक्षाएं सरकार पूरी कर पाई, स्थानीय विधायक पूरी कर पाए, और वो कौन कौन सी अपेक्षाएं थी जो अधूरी रह गई, और आने वाले समय में जब एक नए विधायक को यहां पर चुना जाना है तो महिलाएं किन मुद्दों पर वोट कास्ट करेंगी। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर वर्तमान हालातों की हम बात करते हैं अमृता जी, तो आपको लगता है कि सरकार को खासतौर पर महिलाओं के जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए था वो काम हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। जो भी मुद्दे थे, हम महिलाओं को क्या चाहिए, हमारी गृहस्थी बराबर से चलती रहे, हमारे दैनिक ग्रस्त जीवन में जो दैनिक कार्य में जो सामान चाहिए वो सस्ते हो, रसोई गैस सस्ती हो, खाने पीने में दाल आटे इनके भाव कम हो, ऐसा कुछ मिला नहीं हमें इसके बाद। देश भर में और खासतौर पर राजस्थान की हम बात करते हैं तो महिला सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है, और इन दिनों में छोटी बच्चियों के खिलाफ जिस तरीके के अपराध बढ़े हैं, आपको लगता है कि सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो काम हुआ है? जी बिल्कुल नहीं हुआ है। बच्चों को लेके या महिलाओं को लेके कहीं पे भी सुरक्षा का कहीं पे भी ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि हम उसको आप कह सकते हैं कि हाँ सरकार ने कुछ किया है। ठीक है, किया है, सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, पर उसके बाद भी और कड़े नियम होने जरूरी है। अगर कड़े नियम होंगे तो ऐसे जो महिलाओं के और बच्चों को, छोटी लड़कियों को लेके जो भी अपराध होते हैं वो रुक जाते हैं। इसलिए अब आगे सरकार को यही देखना चाहिए कि भाई आगे एकदम कड़े कानून लाए और सख्ती से उन्हें तुरंत प्रभाव से उनको लागू किया जाए और तुरंत अपराधी को सजा मिले, तो ही ये महिला अपराध कम हो सकता है। बाकी घर की गृह मंत्री महिला को कहा जाता है, पूरे घर का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, क्या लग रहा है कि सरकार कहीं आपकी गृह मंत्री की भूमिका को अधिक प्रभावी बना पाई? नहीं, प्रभावी क्या बना पाए, अभी तो जैसे महीने में पैसे आते हैं, सब चीजें इतनी महंगी हो गई है, और महिला को बाहर भेजते हैं तो बच्चों को भेजते हैं तो ऐसा लगता है कि लेट आया तो चिंता हो जाती है कि कोई छेड़ा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, और कानून कुछ करती नहीं है और एक्शन लेते नहीं है कि भाई जो गलती करी उसको सजा तुरंत मिले। ये सरकारी काम इतना धीरा है कि मतलब जब तक तो बहुत कुछ बदल जाता है। अच्छा, आपका MLA कौन है यहाँ पर ब्यावर में? शंकर सिंह। कभी महिलाओं के मुद्दे पर आपने उनको बोलते हुए देखा या उनके कोई काम ऐसे जो आपको याद आते हो कि एक विधायक के रूप में उनको महिलाओं की बेहतरी के लिए करने चाहिए थे और वो उन्होंने किए? उन्होंने कुछ भी महिलाओं के लिए नहीं किए, और कभी भी महिला जाकर के कहती है तो उसकी कोई सुनाई नहीं करता है। तो कम से कम जो विधायक आता है हम चुनते हैं, पब्लिक चुनते हैं, और पब्लिक की अभी तो हाथ जोड़ेंगे कि हमें वोट दो वोट दो, जब उनको टाइम होगा हमारा सहयोग करने का तब हमें भगा देते हैं, आप जाइए। अच्छा, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में होंगे कि इस आधार पर मैं अपना नया विधायक चुनने जा रही हूँ? मैं महंगाई को सबसे पहले लूंगी, महिला सुरक्षा को सबसे पहले लूंगी कि कौन महिला सुरक्षा के लिए कुछ कर सकता है उसी को वोट दूं,
और मैं ऐसे इंसान को वोट दूंगी जो महंगाई को कम करने के केवल वादे ना करे और सच में उसे करे, उसी को मैं वोट देना पसंद करूंगी। तो ये चुनावी माहौल है और हर आवाज को मंच मिलना चाहिए, यही कोशिश हमारी भी है और हम इस कोशिश में आज यहाँ पर पहुंचे थे। और जिस तरीके से इन महिलाओं का कहना है कि जिन मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए था उन मुद्दों पर सरकार शायद काम नहीं कर पाई, और यदि काम किए भी गए तो वो काम जनता के बीच पहुंच नहीं बना पाए। प्यावर में पानी की कमी से उद्योग धंधे के विकास की रफ्तार थोड़ी रुकी है, तो वहीं जीएसटी को लेकर भी छोटे दुकानदार और व्यापारी अलग अलग राय रखते हैं। से कोई व्यापारियों की तकलीफ कोई ऐसा उचित कार्य नहीं हुए, व्यापारी आम परेशान है, हमारे यहाँ अधिकतर किसान भी परेशान है। आज की स्थिति में जो डीएपी का कट्टा 1150 रूपये में मिलता था वो आज 1400 रूपये हो गया है। अब व्यापारी को लोगों को नजर रुझान से पेट्रोल की तरफ ही जा रहा है, ये डीएपी जो आम किसान की जरूरत है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जो डीएपी की कीमत 1150 रूपये थी आज 1400 रूपये हो गई है और व्यापारी भी उसको बेचने में इच्छुक नहीं है क्योंकि 1375 में कट्टा आ रहा है, 16 रूपये एग्जामिनेटेड के लग रहे हैं, 1400 रूपये में व्यापारी घर में आ रहा है और व्यापारी को बोलते हैं 1400 में वापस बेचे तो व्यापारी कैसे व्यापार करेगा। विधायक महोदय ने ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाई है जिनसे व्यापारियों को कुछ राहत मिले, और व्यापारियों के बीच में भी आना जाना भी विधायक महोदय का नहीं रहता है। कभी भी ऐसा नहीं कि व्यापारियों ने किसी समस्या को आके विधायक महोदय से पूछा हो। हमारी यही इच्छा है कि ऐसा विधायक आवे जो जनता की समस्या को समझे, जनता के रूबरू बीच में रहे, जनता से हिलमिल के कार्य कराने की कोशिश करे। और वैसे देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में व्यक्ति विशेष ही माना जाएगा, पार्टी का इस बार कोई रुझान नहीं रहेगा। अगर ब्यावर में कोई अच्छा चेहरा नया चेहरा आया तो उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सरकार व्यापारियों की अपेक्षा पे खरी नहीं उतर पाई है क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि जो ट्रेड उनका पहले लाभकारी रहता था अब केवल माल आता है और बेचने की प्रक्रिया रह गई है, दूसरे टैक्सेस वगैरह जीएसटी वगैरह जो है उससे उन पर इतना लोड पड़ गया है, और फिर जीएसटी के सॉफ्टवेयर और सीए की अनुपलब्धता की वजह से भी पूरी पत्रावलियां समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं, तो व्यापारी व्यापार में उलझने की बजाय कागजों में उलझ कर रह गया, इस बात का उनमें काफी आक्रोश है। वर्तमान में विधायक महोदय का अगर शहर को देखा जाए तो उसमें तो कोई रुझान है ही नहीं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पिछले दिनों भालिया गांव में उनका आक्रोशित ग्रामीणों ने पुतला फूंका सिर्फ इसी बात को लेकर कि वे किसी समस्या को पुरजोर तरीके से उठा नहीं पाते हैं, जनता को जल की समस्या पर मिसगाइड करते हैं कि हमने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, विधानसभा में वो मुद्दा उठाया, जबकि मुद्दे वे पुरजोर तरीके से उठा नहीं रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने आसपास के लोगों की समस्या हल करने जरूर पहुंच जाते हैं लेकिन नगर की जल से लेकर जिले तक की कोई समस्या वो ठीक से हल कर नहीं पाए हैं। ब्यावर के अभी शंकर सिंह जी रावत है, जो काम तो किया था पर बराबर ये आए नहीं, और दूसरा जो केंद्रीय सरकार के अंदर जो अभी जीएसटी से व्यापारी काफी परेशान हुए थे उससे हम लोग में, और एक जनरल का जो मुद्दा था अभी जनरल का जो मुद्दा था उसके अंदर सरकार ने कुछ भी नहीं बोला, इस पर हम विचार करके फिर ही वोट देंगे आने वाले समय के अंदर कि हमारी सरकार सुने या नहीं सुने। दूसरा एक सबसे बड़ा ब्यावर का जो जिला बनने का था वो आज तक कोई मांग नहीं थी, जबकि हमारे सभी विधायकों ने सभी ने बोला था कि मतलब ऊपर हमारी जो सरकार आएगी तो सबसे पहले ब्यावर में जिला बनेगा और पानी की व्यवस्था होगी, ये दोनों काम ही नहीं हुए। और जबकि केंद्रीय और जयपुर में और ब्यावर में नगर परिषद में तीनों में बीजेपी की सरकार है फिर भी हमारे को एक तरफ रखा गया, ये बहुत गलत है। हम आने वाले समय पर बड़े सोच के हम इनको वोट देंगे। पिछले सरकार जो है ये बढ़िया चल रही, बीजेपी की सरकार ने बढ़िया काम कराया है, ब्यावर के विधायक ने बीजेपी के विधायक ने बढ़िया काम किया है, लेकिन ये जो सीवरेज का काम चला है उसकी वजह से पूरे ब्यावर को खोद दिया है, उसको वापस ढंग से सही नहीं करवाया। हम प्रतिनिधि चाहते हैं कि बढ़िया प्रतिनिधि आए और ब्यावर का विकास करें, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। अब तक आपने देखा मजदूर वर्ग, युवा, गृहिणी और छोटे व्यापारी सरकार के कामकाज को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। ज्यादातर लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार और जिला बनने की घोषणा नहीं होने से थोड़ी नाराजगी भी है। लेकिन ब्यावर के पूर्व विधायक और पत्रकार क्या कुछ सोचते हैं, एक ब्रेक के बाद। जो बीमारू राज्य की श्रेणी में राजस्थान
तो अब तक आपने देखा ब्यावर में मजदूर वर्ग, युवा, गृहिणी और छोटे व्यापारी सरकार के कामकाज को लेकर के क्या कुछ सोच रखते हैं। ज्यादातर लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। पूर्व विधायक और पत्रकार क्या कुछ सोचते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बोले राजस्थान के इस खास पेशकश में हमने क्षेत्र में विकास और सरकार के कामकाज को लेकर ब्यावर के पूर्व विधायक और स्थानीय पत्रकार विमल चौहान से भी बातचीत की। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 2003 और 2008 के अंदर भी राजस्थान में विकास की गंगा बही थी और पुनः 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने उनको जनता ने आशीर्वाद दिया। तो इन 5 सालों में मैं समझता हूं कि राजस्थान में ऐतिहासिक कार्य हुआ। जो बीमारू राज्य की श्रेणी में राजस्थान आता था और वो राजस्थान आज विकसित श्रेणी के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर खड़ा है। हर क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य हुए हैं और मैं समझता हूं कि आधारभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, उनके अंदर बहुत बड़ा एक काम हुआ इस क्षेत्र में। और इसी के परिणाम था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री अपने अंतिम कार्यकाल के अंतिम समय पर वो गांव गांव ढाणी ढाणी तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास कार्य करवाए उन विकास कार्यों के आधार पर ही वो गांव गांव ढाणी ढाणी वापस पहुंची और वहां पर जो जनता ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया वो इस बात का घोतक है कि राजस्थान के अंदर उनके नेतृत्व में जबरदस्त विकास हुआ है और पुनः वापस राजस्थान की जनता उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अजमेर मेरवाड़ा राज्य की राजधानी रहा ब्यावर शहर, अपने आप में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहर है, लेकिन ये एक दुर्भाग्य रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इस शहर को छला है, या यूं कहें कि ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से यह शहर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से भी महरूम रहा है। जिले की एक बहुत बड़ी मांग यहां बरसों से उठती रही है और देश की आजादी से लेकर जब देश स्वतंत्र हुआ तब से ये मांग उठ रही है, लेकिन दोनों ही दलों ने इस मांग को नकारा है, इसके प्रति उदासीनता बढ़ती है। जबकि ब्यावर शहर 13 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अदा करता रहा है। राजनीतिक रूप से हम यूं कहें कि ये शहर प्रतिनिधित्व के मामले में बहुत कमजोर रहा है। गरीब परिवारों से विभिन्न दलों ने प्रतिनिधित्व का अवसर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मध्यम दर्जे के लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया, लेकिन आगे जाके वो उन करोड़पतियों की गोदी में लग जाके बैठ गए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे, उनके लिए फिर विकास गौण हो गया। ब्यावर परिवर्तन करता रहा है। पिछले 10 साल से शंकर सिंह जी रावत बीजेपी से यहाँ के विधायक हैं, जो एक मध्यम श्रेणी के परिवार से आते हैं और वो पहले जवाजा पंचायत समिति के प्रधान भी रहे। बीजेपी ने उनको रावत बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से प्रतिनिधित्व का अवसर दिया और वो रावत समाज की वजह से जीत के भी आए और राजस्थान में सेकंड नंबर पर रहे। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने ब्यावर की जिला बनाने की मांग को बहुत बढ़ चढ़ के अपने तरीके से पेश किया। विधानसभा में भी उनका प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा रहा था, उन्होंने पदयात्राएं भी करी थी, आमरण अनशन भी किया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उनकी वो पैनापन और धार बिल्कुल बंद हो गई और जिले की मांग और विकास और शहर के लिए मांगने के बजाय वो व्यक्तिगत रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ने लगे, जिसका खामियाजा इस शहर को भुगतना पड़ा। मानवीर सिंह, जी मीडिया।